एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद दिखाएंगे 40 परिवार। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष पहली बार मदन मोहन झा ने जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम 40 सीट पर तैयारी करें, हालांकि पहले भी बोलते रहे, लेकिन आज उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ और था। दिल्ली से मीटिंग करके जब से लौटे हैं, कांग्रेसियों का सुर बदला हुआ है। हम फ्रंटफुट पे खेलेंगे, हम किसी भी तरह के समझौते करने को तैयार नहीं है, हम 40 सीट पर लड़ रहे हैं, इतनी तैयारी हमारी रहेगी। आखिर इसकी वजह क्या है? वाकई में कांग्रेस यूपी की तरह बिहार और झारखंड में भी फ्रंटफुट पर खेलना चाहती है? क्या ये जमीनी हकीकत के नजदीक है या फिर कुछ और बात है? देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सत्ता के सियासी समर में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आते जा रहा है, राजनीतिक समर में सियासी उफान भी तेज होते जा रहा है, और शायद यही कारण है कि सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश से शुरू महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उपजा विवाद झारखंड के रास्ते अब बिहार पहुंच चुका है। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब भी पेंच फंसा हुआ है, लेकिन बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के इस बयान के बाद कई सवाल जवाब की तलाश में है। आपको शुरू से ही हम कहते आ रहे हैं, हम लोग को सीट का कोई लड़ाई नहीं है। फ्रंट फुट पर खेलने का मतलब है हम लोग सारे लोग सामंजस्य से लड़ेंगे। 40 सीट पर जीत हासिल करने के लिए चुनाव में तैयारी चल रही है और 40 सीट पर चुनाव कितना दावेदारी जब होगी, जब फैसला होगा, फैसला से पहले दावेदारी नहीं बताई जाती, तो उसमें तो एक तरह का 100 तरह का कंट्रोवर्सी होगा। जब हो जाएगा तो सबसे पहले आप लोग को मतलब इसी राजनीतिक उठापटक के बीच दो दिन पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की थी और दिल्ली दरबार में ये लिस्ट भी सौंपी थी। वैसे अंतिम रूप से अभी किसी भी दल ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन पटना में 3 फरवरी को हुई कांग्रेस की रैली के बाद भले ही मंच पर जगह नहीं मिलने से कुछ कांग्रेसी नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, लेकिन 28 साल बाद बिहार में हुई ये रैली कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।